समेत शिखर जी का विवाद अब सुलझता नजर आ रहा है। केंद्र ने इस पूरे मुद्दे को लेकर समिति बनाई है। अब सीएम हेमंत सोरेन ने भी समस्या के जल्द समाधान की बात कही है, तो केंद्र के इस फैसले के बाद जैन समाज में खुशी का माहौल है। सुलझ गया समेत शिखर जी विवाद, पारसनाथ मामले में केंद्र ने बनाई समिति, केंद्र के फैसले के बाद जैन समाज में खुशी। पारसनाथ मामले पर छिड़ा विवाद अब धीरे धीरे खत्म होता जा रहा है। इस मामले को लेकर केंद्र ने समिति बनाने का ऐलान कर दिया, जिसमें जैन समुदाय से 2 सदस्य और जनजातीय समुदाय से 1 सदस्य शामिल होगा। अब इस मामले में सीएम हेमंत सोरेन ने कहा कि हमारी सोच और पहल है कि इस समस्या का जल्द समाधान हो जाए। केंद्र सरकार की मंशा भी यही है। देखिए, इस विषय पर हमारी भी चिंता है कि इस समस्या का समाधान निकले। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। और केंद्र सरकार की भी ये मंशा प्रतीत होती है, क्योंकि अभी वर्तमान स्थिति में हमारे सभी वरीय पदाधिकारी दिल्ली में मौजूद हैं। अभी उनके आने के बाद इस विषय पर हम लोग चर्चा करेंगे कि इसके रास्ते कैसे निकलें। हालांकि पारसनाथ मामले पर केंद्र के फैसले को जेएमएम ने नौटंकी करार दिया है। जेएमएम ने कहा कि सीएम ने केंद्र को गलती का एहसास कराया तो केंद्र को अपने फैसले से पीछे हटना पड़ा। और फिर कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब बहुत मीठे शब्दों में उनकी गलती का एहसास भारतीय जनता पार्टी को करवाया, उसके बाद बाध्य होकर भारत सरकार की जो जिद थी कि हम पारसनाथ को इको टूरिज्म का एक हब बनाएंगे और उस इलाके को वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के तौर पर विकसित करेंगे, उससे उनको पीछे हटना पड़ा। इधर जैन समाज केंद्र और राज्य सरकार का धन्यवाद कर रहा है। इधर केंद्र सरकार के फैसले के बाद गिरिडीह में जैन धर्मावलंबी बेहद खुश हैं। केंद्र सरकार तथा झारखंड सरकार दोनों को धन्यवाद देना चाहता हूं, क्योंकि उन्होंने इतना जल्दी जो हमारा शांति पेड़ आनंद आंदोलन था और उन्होंने हमने किया और धर्म के लिए किया। समेत शिखर जी के संदर्भ में ये जो कल सरकार के द्वारा नया नोटिफिकेशन आया है, इसका हम स्वागत करते हैं और इस नोटिफिकेशन से समाज के सभी लोग बहुत खुश हैं। श्रद्धालुओं का कहना है कि पारसनाथ जैन समाज के लोगों के लिए एक तीर्थ स्थल है और इसे तीर्थ स्थल रखने का सरकार ने जो फैसला लिया है वो काफी सही फैसला है। तो ये केंद्र सरकार का अच्छा निर्णय है कि तीर्थ क्षेत्र रहने के लिए, अगर ये पर्यटन क्षेत्र बनता तो कहीं ना कहीं ये कह सकते हैं कि क्षेत्र का भी नुकसान होता और क्षेत्रवासियों का भी नुकसान होता। पारसनाथ मुद्दे पर सियासत की बात अलग है, लेकिन केंद्र के इस फैसले के बाद जैन समाज में खुशी का माहौल है। गिरिडीह से मृणाल के साथ रांची से कामरान की रिपोर्ट। ये सिर्फ एक छोटे से बेडरूम से मशरूम की खेती करके महीने का 50,000 कमा रही हैं। मशरूम खेती सीखनी है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।